दोस्तों 32वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखने में सर्कुलर लग रहा है लेकिन है प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसके अंदर। एक बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है। जाहिर सी बात है कि आपने एक ओ पॉइंट लिया और एक मास का टुकड़ा लिया जिसको एल स्ट्रिंग से बांध रखा था, ये आपको एक सर्कल लग रहा होगा ए और पी पॉइंट। थोड़ी मेरी आंख कमजोर हो चुकी है, घूमने दो इसको। जब ये गया तो आपने यहां से इसको वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। हनुमान जी तो है नहीं कि जो फेंका है ब्रह्मांड से निकल जाएगा, अगर ब्रह्मांड में रहेगा तो मित्रों प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो उसकी कोई रेंज होगी एक्स, एम राइट। मान लीजिए सी पॉइंट पे पहुंचता है तो मेरी आंखें कमजोर हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। अब भाई साहब ये चले यहां से चले निकले, ये बी बी वेलोसिटी से क्रॉस किए हैं, ये एम थे एल लेंथ की, एक्स बताना है। तो भाई साहब जब यहाँ से एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से निकलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो आपने क्या बताया था सर, एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट वी इनटू टाइम पीरियड टी हो गया। तो सबसे पहले हमें टाइम पीरियड निकालना था। टाइम पीरियड के लिए याद आया कि अगर कोई पार्टिकल एच हाइट से U वेलोसिटी से फेंकते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, सब भूल गए, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता था तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर आता था। h कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ l है तो ये l, ये l, 2l हो गया। और t स्क्वायर बराबर 4l अपॉन जी हो गया, एम आई राइट। तो चलिए साहब एक चीज तो मिल गई और एक अननोन आपके पास बी है। अब बी में लगा दो गुरु सर्कुलर मोशन, जब ये एम यहां पहुंचेगा धरती माता एम जी से खींचेगी, याद आया धरती माता छोड़ेंगे नहीं गप से। ये बी है तो एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर कितना यहां पे एल है। तो यहां से वेलोसिटी निकाल लीजिए। आपने कहा सर एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स के, आर की जगह एल था तो आपने एल लिख लिया, तो वी स्क्वायर बराबर जी एल हो जाएगा। काम बन गया, आपकी दोनों चीज आ गई, तो वी इक्वल टू अंडर रूट जी एल। अब उठा कर रख दीजिए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए, एक्स इज इक्वल टू वी अंडर रूट जी एल टी अंडर रूट फोर एल अपॉन जी। तो बेटा ये अंडर रूट जी, ये अंडर रूट जी कट जाएगा, यहाँ अंडर रूट एल है, यहाँ अंडर रूट टू एल है, तो दो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट एल बराबर एल के हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा रेंज एक्स इज इक्वल टू टू एल।